भारतीय इतिहास को जानने के स्रोतों में तो पहले प्रकार के हो गए पुरातात्विक स्रोत, अब हम पढ़ते हैं साहित्यिक स्रोत। साहित्यिक स्रोतों को दो भागों में बांट जाता है, एक तो है धार्मिक साहित्य और दूसरे प्रकार का होता है लौकिक साहित्य। अब इसमें से हम पहले जो धार्मिक साहित्य है उसका अध्ययन करते हैं, और धार्मिक साहित्य के अंतर्गत सबसे पहले वेद और वेदों में ऋग्वेद है, यजुर्वेद है, तीसरा सामवेद है, चौथा अथर्ववेद है, ये चार वेद हैं। ऋग्वेद है ये सबसे प्राचीनतम वेद है दुनिया का, और भारत का सबसे प्राचीनतम ग्रंथ ये माना जाता है, जिसमें जो वैदिक देवी देवता थे उनसे संबंधित जो मंत्र हैं उनका एक एक ग्रंथ है। इसके अलावा सामान्य जनजीवन की भी जानकारी मिलती है। यजुर्वेद है ये यज्ञ और उसकी गतिविधियों से संबंधित है। सामवेद है ये भारत का सबसे प्राचीनतम संगीत से संबंधित ग्रंथ है। अथर्ववेद है इसमें विविध प्रकार की जानकारियां प्राप्त होती हैं। ये तो मुख्य गतिविधि है, इसके अलावा इन संपूर्ण ज्ञान के भंडार हैं वेद। और ये जो वेद हैं उनके भी अलग अलग ब्राह्मण ग्रंथ हैं, आरण्यक ग्रंथ हैं, उपवेद हैं। इसके अतिरिक्त जो वेद हैं इनमें इन्हें ब्राह्मण साहित्य भी बोला जाता है। ब्राह्मण ग्रंथ है आरण्यक ग्रंथ है उपनिषद ग्रंथ है स्मृतियां पुराण वेदांग धर्मसूत्र, ये सभी साहित्यिक स्रोत हैं, ब्राह्मण साहित्यिक स्रोत हैं। वैदिक जो वैदिक साहित्य है उसके अंतर्गत है ये। और इसमें ब्राह्मण ग्रंथ ये क्या होते हैं कि जो वेद हैं ये संस्कृत भाषा में है, तो इनका जो आसान शब्दों में व्याख्या है, इनकी जो टीकाएं हैं वो ब्राह्मण ग्रंथ कहलाती हैं। फिर इसके बाद में आरण्यक ग्रंथ, इसका अर्थ होता है कि वनों में लिखे व पढ़े जाने योग्य ग्रंथ, मुख्यतः इनमें सामान्य अध्ययन अध्यापन से संबंधित थे। इसके अलावा दार्शनिक सिद्धांत भी इनमें होते थे, इन ग्रंथों में, जिनमें मोक्ष प्राप्ति के लिए या फिर ज्ञान प्राप्ति के लिए उनका अध्ययन वनों में किया जाता। उपनिषद ग्रंथ, इन्हें वेदांत भी कहते हैं उपनिषदों को, ये वैदिक साहित्य का अंतिम भाग होते हैं इस कारण से। और इसमें मुख्यतः दर्शन से संबंधित सिद्धांत हैं। इसके अलावा दर्शन में जो लोक प्रलोक है, आत्मा परमात्मा है, प्रकृति और ये संसार है, इन सब का विस्तृत रूप से उल्लेख किया गया कि किस प्रकार से व्यक्ति इन दार्शनिक चिंतन करते हुए, उपनिषदों का चिंतन करते हुए, अध्ययन मनन करते हुए किस प्रकार से मोक्ष की प्राप्ति कर सकता है। स्वामी विवेकानंद ने भी इन्हीं उपनिषदों या वेदांत ग्रंथों में जो ज्ञान है उसका प्रचार प्रसार दुनिया में किया था। स्मृति ग्रंथों में
मनुस्मृति है, याज्ञवल्क्य स्मृति है, बृहस्पति स्मृति है, ये मुख्य हैं। इसमें उस समय में जो चार वर्ण थे उसके विधि विधान तथा अन्य सभी प्रकार की जानकारियां उपलब्ध होती हैं। पुराण जिसकी संख्या 18 मानी जाती है, मत्स्य पुराण है, विष्णु पुराण है आदि। वेदांग हैं, इनकी संख्या 6 मानी जाती है, ज्योतिष है, निरुक्त है, व्याकरण है, कल्प है, सूत्र है, ये वैसे धर्म सूत्र हैं या धर्म शास्त्र हैं पीवी काणे द्वारा रचित। इनसे भी भारतीय इतिहास की हमें जानकारी प्राप्त होती है। ये हो गए ब्राह्मण साहित्य या हिंदू धर्म के से संबंधित जो धार्मिक ग्रंथ हैं। इसके अतिरिक्त जो बौद्ध ग्रंथ हैं, बौद्ध धर्म से संबंधित, जिसमें त्रिपिटक हैं, दीपवंश है, महावंश है, ललित विस्तार है, आर्य मंजुश्री, मूलकल्प आर्य मंजुश्री मूलकल्प आदि, ये बौद्ध साहित्य के ग्रंथ हैं। और इसमें भी जातक ग्रंथ ये हैं। मिलिंद पनहो, तो प्रारंभिक जो ग्रंथ हैं त्रिपिटक, दीपवंश, महावंश जातकगत हैं। त्रिपिटक जिसमें शुद्धपिटक, विनयपिटक और अभिधम्मपिटक है। शुद्धपिटक में महात्मा बुद्ध की शिक्षाओं का संग्रह है, विनयपिटक में बौद्ध संघ के नियम और कानून कायदे हैं, और जो अभिधम्मपिटक है उसमें बौद्ध धर्म के दार्शनिक सिद्धांत उनका वर्णन है। तो ये बौद्ध धर्म के सबसे प्राचीनतम ग्रंथ माने जाते हैं त्रिपिटक, जो कि पाली भाषा में लिखे गए। बौद्ध धर्म है, इसके प्रारंभिक ग्रंथ पाली भाषा में रचित हैं, जिनमें दीप त्रिपिटक है, दीपवंश, महावंश, जातक कथाएं। जातक कथाएं हैं इनमें, ये क्या हैं, महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाएं, जिनकी संख्या लगभग 550 है। इसके अतिरिक्त आर्य मंजुश्री मूलकल्प है, मिलिंद पनहो है, ललित विस्तार है, और अन्य जो सौंदरानंद वगैरह है, ये जो बौद्ध साहित्य के अन्य ग्रंथ हैं। बाद के जो ग्रंथ हैं वो संस्कृत भाषा में रचित हैं। तो इन बौद्ध ग्रंथों से भी हमें 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर के और उसके बाद तक के समय की सभी प्रकार की, जिसमें आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक, सामाजिक भारतीय इतिहास की जानकारी हमें प्राप्त होती है। फिर हैं जैन ग्रंथ, जिनमें जो प्राचीनतम जैन ग्रंथ हैं उन्हें आगम साहित्य के नाम से जाना जाता है। और आगम साहित्य में भी इसके जो भाग हैं वो कौन कौन से हैं, 12 अंग, 12 उपांग, 10 प्रकीर्ण, 6 मूल सूत्र, 8 आदि। ये जैन धर्म के प्राचीनतम साहित्य हैं जो कि प्राकृत भाषा में लिखे गए हैं। और इसके अलावा बाद में बाद के जो ग्रंथ हैं, जैसे परिशिष्ट प्रवन है, भद्रबाहु द्वारा रचित, और अन्य जो ग्रंथ हैं उनसे भी हमें भारतीय इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। इसके अलावा जो सामान्य साहित्य हो गया, सामान्य जो पहला हो गया धार्मिक साहित्य, फिर है बी
लौकिक साहित्य है, और लौकिक साहित्य में जो सामान्य जनजीवन से संबंधित होता है, इसकी शुरुआत होती है भारत में। जो मुख्य ग्रंथ हैं कौटिल्य का, अर्थशास्त्र, मेगस्थनीज की, इंडिका, इसके अलावा कलहण की राज तरंगिणी, विशाखदत्त का मुद्रा राक्षस, बाणभट्ट का हर्षचरित्र आदि बहुत सारे। इसमें गार्गी संहिता है, पृथ्वीराज राजसो है, पृथ्वीराज विजय है, और अन्य जो बहुत प्रकार के ग्रंथ हैं उनसे भी हमें बहुत ही महत्वपूर्ण विभिन्न समय की जानकारियां हमें प्राप्त होती हैं। इसके अलावा गुप्तकालीन जो कालिदास है, कालिदास की जो विभिन्न रचनाएं हैं जिसमें ऋतुसहार, मेघदूत, विक्रमोवर्षीयम, अभिज्ञान शाकुंतलम आदि जो ग्रंथ हैं उनसे भी हमें गुप्तकालीन साहित्य की जानकारी, साहित्य के अलावा जो सामान्य जनजीवन है उन सब की जानकारी हमें बहुतायत से प्राप्त होती है। कलहण की राजतरंगिणी, कौटिल्य का अर्थशास्त्र, ये बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं जिनसे हमें सटीक और सभी प्रकार की जानकारियाँ प्राप्त होती हैं। अर्थशास्त्र है ये मुख्यतः राजनीति से संबंधित ग्रंथ है जिसमें प्रशासन है वो किस प्रकार से चलाया जाना चाहिए, एक राजा है उसे किस प्रकार से अपने राज्य में शासन करना चाहिए, व्यापार वाणिज्य के क्या नियम होने चाहिए, सभी जो वर्ण हैं उन सब के कर्तव्य भी इसमें बताए गए हैं। और लास्ट जो प्रकार है, तीसरा प्रकार, वो है विदेशी यात्रियों का विवरण। भारत में समय समय पर विदेशी यात्री आते रहे हैं और उनमें जैसे रोमन और यूनानियों में जो मुख्य नाम है, स्काइलैक्स है, हिकेटियस है, प्लूटार्क है, जस्टिन है, स्ट्रेबो है, मेगस्थनीज है, प्लीनी है, टॉलमी है आदि यूनानी यात्री और रोमन यात्री समय समय पर भारत में आते रहे। हिकेटियस जिसे भूगोल का जन्मदाता ही माना जाता है, जस्टिन है ये भी सिकंदर के बाद का है, टॉलमी की ज्योग्राफी है, स्ट्रेबो की भी ज्योग्राफी है, प्लिनी की नेचुरल हिस्टोरिका है, मेगस्थनीज की इंडिका है। इन ग्रंथों से भी हमें भारत की जानकारी प्राप्त होती है। यूनानी यात्री भारत में रहे और भारत के बारे में जो कुछ भी उन्होंने देखा और समझा वो उन्होंने अपने ग्रंथों में लिखा है। इसके अतिरिक्त भारत में कुछ चीनी यात्री भी आए और उन चीनी यात्रियों में फाहियान है जिसने गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय के समय भारत की यात्रा की थी, और ये फाहियान है 399 से लेकर के और 414 ईस्वी तक भारत में रहा है। फिर हेनसांग है, ये भी भारत में 16 वर्ष तक रहता है, 629 से लेकर के और 645 से ईस्वी तक।
इसके अतिरिक्त इत्सिंग, चाउजू कुआ आदि चीन यात्री भारत में आते रहे और भारत में जो कुछ भी देखा उनका वर्णन उन्होंने अपने ग्रंथों में किया है। फायान का ग्रंथ है फोकवोकी और हेनसांग है इसका ग्रंथ है सी यू की। मुख्य रूप से बौद्ध ग्रंथों के अध्ययन के लिए भारत में आए, बौद्ध तीर्थों के लिए भारत में आए, बौद्ध तीर्थों की यात्रा के लिए। और अंत में इसमें अरब लेखक और अरब लेखकों में सुलेमान है, इसामी है, उत्बी है और सबसे प्रमुख नाम है अलबरूनी का। अलबरूनी ने भारत में रहते हुए मोहम्मद बिन गजनवी जो होता है, मोहम्मद गजनवी जब भारत ने भारत पर उसने 1000 ईस्वी से लेकर के 1027 ईस्वी तक 17 बार आक्रमण किए, उसके साथ भारत में आता है अलबरूनी। अरब यात्री होता है ये और इसने भारत में जो कुछ भी देखा उसे अपने ग्रंथ किताबुल हिंद या जिसे तारीख ए हिंद के नाम से भी जानते हैं ये लिखी, तारीख ए हिंद, और ये लिखी उसने अरबी भाषा में। और ये जो था अलबरूनी संस्कृत भाषा, उर्दू भाषा, उर्दू तो खैर बाद में प्रचलन हुआ, फारसी भाषा, इसके अलावा भूगोलवेता, दार्शनिक, गणितज्ञ सब कुछ था, बहुत ही विद्वान व्यक्ति था। और इसने भारत के इतिहास से संबंधित किताबुल हिंद अथवा तारीख ए हिंद का अरबी भाषा में रचना की है, जिससे हमें मध्यकालीन भारत के या 1000 ईस्वी के पहले के भारत की जानकारी हमें प्राप्त होती है। अध्याय 2, जो मैं आपको बता चुका हूँ कि पाषाण काल उसके बारे में, और अगली क्लास जो होगी उसमें हम अध्याय 3 सिंधु सभ्यता उसका हम विस्तृत रूप से उल्लेख करेंगे कि भारत की जो प्रथम सर्व विकसित जो सिंधु सभ्यता थी उसका अध्ययन हम अगली क्लास में पढ़ेंगे।